नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बांका के विद्युत कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार गुप्ता के दानापुर, पूर्णिया, भागलपुर और बांका के सारे ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस की यूनिट ने गुरुवार को छापेमारी की। अभियंता के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी जो है वो अभी भी जारी है। लगातार बता दें कि ये छापेमारी जो है उनके कई ठिकानों पर की जा रही है। कार्यपालक अभियंता पर 1 करोड़ से अधिक की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया। इस संबंध में इंजीनियर पर पीसी एक्ट 1988 के तहत 19 सितंबर को, बता दें कि 19 सितंबर को मामला दर्ज किया गया है। वहीं विद्युत आपूर्ति मंडल साउथ बिहार कंपनी लिमिटेड में कार्यरत के कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार गुप्ता के भागलपुर स्थित ससुराल में भी स्पेशल विजिलेंस की टीम ने जो है वो छापेमारी की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से छापेमारी जो है वो इंजीनियर के अलग अलग ठिकानों पर की जा रही है। साथ ही बता दें कि भागलपुर में बबरगंज थाना अंतर्गत गंगा विहार कॉलोनी स्थित संजीव गुप्ता के ससुर राजकिशोर मंडल के आवास पर भी छापेमारी की गई है, जिसमें 2 लॉकर मिले हैं और उसके साथ ही कई कागजात जो हैं वो भी प्राप्त किए गए हैं। वहीं बताते चलें कि बांका में भी बिजली विभाग स्थित कार्यपालक अभियंता के सरकारी आवास पर विजिलेंस की छापेमारी लगातार जो है वो अभी भी जारी है। आवास को अंदर से बंद करके टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। बांका स्थित सरकारी आवास के बाहर पुलिस भी तैनात की गई है और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति जो है वो नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कार्यपालक अभियंता क्वार्टर में ही मौजूद हैं और उनसे पूछताछ जो है उसकी भी बात सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि कार्यपालक अभियंता क्वार्टर में मौजूद हैं और उनसे पूछताछ जो है वो हो रही है। उम्मीद से ज्यादा नकद राशि की जो मिलने की संभावना जो है वो भी बताई जा रही है। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर ये पूरा जो छापेमारी चल रहा है वो किस वजह से हो रही है। बताते चले कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट की ओर से छापेमारी के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि विद्युत कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार गुप्ता ने एक लोक सेवा के रूप में काम करते हुए अवैध रूप से कई सारे प्रॉपर्टीज जो हैं वो बनाए हैं। साथ ही जानबूझकर उन्होंने लगभग बात करें तो आंकड़ों की अगर बात करें तो 1 करोड़ से अधिक रुपए की संपत्ति जो है वो उनके पास से अर्जित की गई है। मिली जानकारी के अनुसार विद्युत कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार मूल रूप से पूर्णिया के रहने वाले हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बांका के सरकारी आवास में छापेमारी के दौरान 25 लाख रुपए कैश भी मिले। वहीं भागलपुर स्थित आवास से भी 20 लाख रुपए कैश जो है उसके मिलने की सूचना सामने आ रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से लगातार छापेमारी जो है वो की जा रही है, इसमें और भी कई संदिग्ध के नाम जो हैं क्या वो शामिल हो सकते हैं, और अगर ये छापेमारी चल रही है तो ये किन कारणों से हो रही है, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।